प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज जो अपन ने पहले जो पढ़ाया लट लकार, लिट लकार और लंग लकार, उसके धातु रूपों का फिर से एक बार दोहरण कर रहे हैं। लट, लिट और लंग। लट का मतलब आप समझते हो कि लट का मतलब होता है वर्तमान काल, लिट का मतलब होता है भविष्यकाल और लंग का मतलब होता है भूतकाल। इस प्रकार से जो अपने जो तीनों लकार हैं लट, लिट और लंग, इनके जो धातु रूप बनाने के जो प्रत्यय हैं वो आपके सामने आपके पास वीडियो के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, जिनको आप बड़े अच्छे तरीके से नोटबुक में उतारें और उसको याद भी करें। अभी बताया गया कि लट, लट का मतलब होता है वर्तमान काल, लिट का मतलब होता है भविष्यकाल और लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। इन लकारों के धातु रूप बनाने के जो प्रत्यय हैं वो पुरुष के अनुसार, जैसे पुरुष प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, इन पुरुषों के अनुसार अलग अलग इनमें दे रखे हैं, जिनको आप अच्छी तरह से देखेंगे कि जो प्रथम पुरुष है उसमें जो लट लकार है, लट लकार का प्रथम पुरुष का एकवचन है अति, द्विवचन अतः, बहुवचन अंति। इसी प्रकार से लिट लकार का प्रथम पुरुष का एकवचन ईषति, ईषतः, ईषन्ति। इसी प्रकार से लंग लकार का प्रथम पुरुष का एकवचन है अत, अताम, अन। प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है कि जब लंग लकार के धातु रूप बनाएंगे, भूतकाल के जब धातु रूप बनाएंगे, तो जब धातु रूप बनाते हैं धातु के बाद में जब धातु रूप बनाने के प्रत्यय जोड़ते हैं, प्रिशिफ्ट करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि धातु से पहले अपनी ओर से ए स्वर लगेगा, ये ध्यान रखना है। आप समझ गए होंगे प्रथम पुरुष के लट लकार के अति, अतः, अंति, लिट लकार के ईषति, ईषते, ईषन्ति, लंग लकार के अत, अताम, अन। इसी प्रकार से जो मध्यम पुरुष है उसमें लट लकार का प्रत्यय है एकवचन असी, अथह, अथ, लिट लकार का है ईशसी, ईशतः, ईशत, लंग लकार का है अह, अतम, अते। अब देखो लंग लकार में पर मध्यम पुरुष का बहुवचन और लंग लकार में प्रथम पुरुष का एकवचन, वैसे दोनों अत अत हैं लेकिन प्रथम पुरुष के एकवचन के साथ ए के साथ मतलब ये हलंत लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ, यही पहचान इसकी हलंत की। ऐसे ही जो उत्तम पुरुष है जिसमें लट लकार का एक वचन है आमी, द्विवचन है आवय और बहुवचन है आमह, ऐसे ही लट लकार में ईश्यामी, ईश्यावय, ईश्यामय, ऐसे ही लंग लकार में आम, आव, आम। ये धातु रूप बनाने के जो प्रत्यय हैं इनके आधार पर अपन पुरुषवायी और वचनवायी, वचन के अनुसार धातु रूप किसी भी धातु के बना सकते हैं। जैसे हम अब आपके सामने जो बना के दिखाएंगे, बताएंगे, वैसे ही आपको भी धातु रूप बनाने हैं। कोई भी धातु हो, चाहे परस्मैपदी धातु हो, चाहे आत्मनेपदी धातु हो, उनमें किसी में भी आप धातु प्रत्यय जोड़ करके और धातु रूप बना सकते हैं। जैसे धातु रूप जैसे लट लकार है, लट लकार ये वर्तमान काल है, वर्तमान काल, इसके जो धातु रूप बनाएंगे अपन, जैसे इसमें लिख धातु है, लिख, लिख का मतलब होता है लिखना, ये होता है। इसके धातु रूप बनाएंगे अपन तो किस तरह बनाएंगे, वो ऐसे अपन एक सारणी बनाएंगे, सारणी में पुरुष के अनुकूल और वचन अनुकूल धातु रूप बनाएंगे, ये पुरुष, ये एकवचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। ये पुरुष हो गया पुरुष, ये
एकवचन, एकवचनम, ये द्विवचनम और ये बहुवचनम। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जो लट लकार के धातु रूप बनाएंगे तो उसका प्रत्यय अति। इसमें लिख धातु में अति प्रत्यय जोड़ेंगे तो ली और ख में ए जुड़ करके ये दोनों जुड़ करके ये दोनों और ये ख हो जाएगा ती, लिखती। ये बना क्या बना? लिखती। जैसे क्रीड है तो क्रीडती, पिब है तो पिबती, धाव है तो धावती। ऐसे ही लिख है उसमें अतः जोड़ेंगे, अतः है तो ये बनेगा लिखत है। क्या बनेगा? लिखत है। ऐसे ही बहुवचन में है लिख में अंति जोड़ेंगे तो ये बना लिखंती। लिखती, लिखते, लिखंती। ऐसे पिब का है तो पिबती, पिबते, पिबंती। ऐसे धाव का तो धावती, धावते, धावंती। इसी प्रकार से जो मध्यम पुरुष है इसमें लट लकार के जो धातु रूप लिख धातु से बनाएंगे वो प्रत्यय हो रहेंगे, धातु रूप बनाने के प्रत्यय हो रहेंगे। जैसे लिख है, ली ख, लिख में असी जोड़ेंगे, असी, तो ये बन गया लिखसी। लिख में अथय जोड़ेंगे, अथय, तो ये बन गया लिखथ है। लिख में अथ जोड़ेंगे तो ये बनगा लिखत। प्रथम पुरुष में लिखती, लिखते, लिखंती। ऐसे ही मध्यम पुरुष में लिखसी, लिखते, लिखत। ऐसे ही उत्तम पुरुष में बनेगा लिखे प्लस आमी, तो ये बनगा खे में आ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? लिखामी। ऐसे ही लिख में आवे जोड़ेंगे तो ये बनेगा लिखावह। ऐसे ही लिख में आमे जोड़ेंगे तो ये बनेगा लिखामे। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी धातु में अपन अति, अतः, अंति, असी, अथे, अथ, आमी, आवे, आमे ये प्रत्यय जोड़ करके धातु रूप बना सकते हैं। चाहे धातु परस्मैपदी धातु कोई भी धातु हो, चाहे लिख हो, चाहे धा हो, चाहे रुद हो, चाहे हंस हो, क्रीड हो, कोई भी धातु हो उसमें अपन बना सकते हैं। चाहे अपने पास पिब धातु हो, पिब यानी पीना, चाहे हंस हो, हंस यानी हंसना, जैसे खाद हो, खाद यानी खाना, इन धातु में अपन धातु रूप इसके अनुकूल बना सकते हैं। इसी प्रकार से अपना जो अगला है लिट लकार, लिट लकार में किस तरह से धातु रूप बनाएंगे वो आपको एक बार बताया जाएगा। उसमें आपको उसी प्रकार से आपको बनाना है जैसे लट लकार में बनाया गया, ऐसे ही लिट लकार में बनाए जाते हैं। उसमें क्या है कि ई प्रत्यय पहले रहता है जो धातु के अंतिम वर्ण में जुड़ जाता है, जैसे आपको अभी बताया जाएगा। आप उसको अच्छी तरह देख लें और देख करके समझें, अन्य धातुओं के धातु रूप भी आप बनाएं। आप जब बनाओगे उसको समझ करके तो ही आपके समझ में आएगा कि हाँ धातु रूप ऐसे बनते हैं। यदि आप उसको देख करके ही मतलब उतार लोगे, उसके ऊपर विचार नहीं करोगे
तो धातु रूप आप नहीं बना सकते हो। धातु रूप जब ही बनेगा जब अपन उसको अच्छी तरह समझेंगे, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छी तरह सुनेंगे, उसी प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा और वैसे ही आप बनाओगे। जैसे अपने पास है अब लिट लकार, लिट लकार इसको कहते हैं भविष्यकाल। क्या कहेंगे इसको? भविष्यकाल। वो लट लकार था, ये लिट लकार है, इसको कहेंगे भविष्यकाल। जैसे अपने लिख धातु है, लिख में भविष्यकाल के जो धातु रूप बनाएंगे वो कैसे बनेगा? लिख में ईषति जोड़ेंगे, तो इसमें ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा? लिखिष्यति। लिख में ईषत जोड़ेंगे तो ये बनेगा लिखिष्यत है। लिख में ईषन्ति जोड़ेंगे तो ये बनेगा लिखिष्यन्ति। वैसे हैं जैसे लट लकार बनाते हैं, लट लकार के धातु रूप बनाते हैं, उसी प्रकार से ये हैं। ऐसे ही आगे देखो, लिख में ईशशि जोड़ेंगे तो ये बनेगा लिखिष्यसि। ऐसे ही लिख में ईशत है जोड़ेंगे तो ये बनेगा लिखी शत है। ऐसे ही लिख में ईशत जोड़ेंगे तो ये बनेगा लिखी शत। ऐसे ही लिख में उत्तम पुरुष में ईश्यामी जोड़ेंगे तो ये बनेगा लिखिष्यामी। ऐसे ही लिख में ईश्याव जोड़ेंगे तो ये बनेगा लिखिष्याव। ऐसे ही लिख में ईश्याम जोड़ेंगे तो ये बनेगा लिखिष्याम है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रकार से चाहे पिब हो, चाहे हंस हो, चाहे खाद हो, कोई भी धातु हो, उसमें हम ये प्रत्यय जोड़ करके और धातु रूप बना सकते हैं। लंग लकार में क्या होता है, लंग लकार की बात बता देता हूँ आपको एक बार। लंग लकार में क्या होता है कि जब धातु में प्रत्यय जोड़ करके धातु रूप बनाते हैं तो धातु से पहले अपनी तरफ से ए प्रत्यय लगेगा, ए स्वर लगेगा। जैसे आपको बताया जाए, एक बार लंग लकार में बताया जाए, भूतकाल। लंग लकार का मतलब भूतकाल है, इसमें लिखेंगे धातु रूप बनाते समय धातु से पहले ए स्वर लगेगा। जैसे आपको अभी बताया गया था पुरुषवाही, ऐसे ही इसमें है। जैसे क्रीड है, क्रीड, और क्रीड में अत प्रत्यय जोड़ते हैं अपन, अत, तो ये बनेगा ए क्रीडत, ए क्रीडत। ये प्रथम पुरुष का एकवचन बना। किरण में, किरण यानी खेलना, किरण में अताम जोड़ेंगे तो ये बना अक्रीडताम, अक्रीडताम,
मैं। क्रीड में अन जोड़ेंगे अन्य तो ये बनेगा एक्रिडन, एक्रिडन। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के बनेंगे, इसी प्रकार से उत्तम पुरुष के बनेंगे। जैसे क्रीड है, मध्यम पुरुष में क्रीड है, क्रीड में अ प्रत्यय लगाएंगे अ है तो ये बनेगा अक्रीड है। क्रीड में अतम जोड़ेंगे अतम तो ये बनेगा अक्रीडतम, और अत जोड़ेंगे क्रीड में अट, क्रीड में अत जोड़ेंगे अत तो ये बनेगा अक्रीडत, ऐसे बनेगा। जैसे उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में भी यही है, क्रीड धातु है क्रीड, क्रीड में अम जोड़ेंगे अम तो ये बनेगा अक्रीडम, आव जोड़ेंगे क्रीड में आव, क्रीड प्लस आव तो ये बनेगा अक्रीडाव, और आम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा क्रीड प्लस आम तो ये बनेगा अक्रीडाम। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही मतलब ये धातु रूप बनाए जाएंगे, जिसमें आपको एक बार फिर मैं बता रहा हूँ एक थोड़ा सा कि जब हम इसको संस्कृत में बदलेंगे, हिंदी को संस्कृत में बदलेंगे तो कर्ता के अनुसार, लकार के अनुसार, कर्ता के अनुसार उसमें लकार कौन सा, उसके अनुसार क्रिया का रूप रहेगा। जिस प्रकार से अपना लट लकार का है, जैसे लट लकार में है मोहन पढ़ता है, अब ये पढ़ता है ये लट लकार का वाक्य है क्योंकि ता है ये आया, अब इसमें कर्ता ही है मोहन, मोहन प्रथम पुरुष एकवचन अर्थात मोहन अकारांत पुल्लिंग शब्द है इसलिए मोहन का बनेगा मोहने, और पट में जुड़ जाएगा अति इसलिए क्या बना पढ़ती, क्या बना पढ़ती। इस प्रकार से आपको ये करने हैं। जैसे आगे की बात आपको बताई जाए, जैसे मोहन पढ़ेगा, मान लो ये आ गया तो पढ़ेगा तो फ्यूचर होगा, ये तो लट हो गया, ये तो लट हो गया, ये होगा लिट, तो मोहन पढ़ेगा तो मोहन का वो करता मोहन है तो मोहन है। अब पठ में इष्यति जोड़ेंगे तो क्या बनेगा पठिष्यति, पठिष्यति। इसी प्रकार से मोहन पढ़ चुका, ये लंग लकार हो गया तो इसमें क्या होगा मोहन है वही प्रथम पुरुष एकवचन है, कर्ता वही है मोहन है अ पठत, चाहे लट लकार हो चाहे लंग लकार हो चाहे लिट लकार हो, कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप होता है न कि कर्म के अनुसार। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है लेकिन कर्म के अनुसार क्रिया का रूप कर्तृवाच्य वाक्यों में नहीं होता है, ये कर्मवाच्य वाक्यों में होता है। इसमें कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप होता है, चाहे कोई सा लकार हो चाहे लट हो चाहे लिट हो चाहे लंग लकार हो कोई सा भी हो, इसमें सब कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप होता है। आप सभी विद्यार्थी धातु रूप बनाएंगे, जो मैं आपको धातु रूप धातु दे रहा हूँ धातु रूप बनाओ, इनसे आपको बनाना है। जैसे गम है, गम का दूसरा नाम है गच्छ। जैसे पठ है, पठ यानी पढ़ना। जैसे हंस है, हंस यानी हंसना। जैसे धाव है, धाव यानी दौड़ना। जैसे लिख है, लिख यानी लिखना। इन धातुओं के धातु रूप आप बनाएं तीनों लकारों में और धातु रूप समझने की कोशिश करें। आज का वीडियो यही रहेगा और आगे का वीडियो आपको आगे बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।